आज हम चैप्टर नंबर 6 में वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज वर्ड्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 1, शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूस शो करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो उसमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल आए तो कंटिन्यूस कहते हैं। इनमें से अगर कोई भी दो इक्वल नहीं आई तो हम क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूस। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 मैं चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम के लिए और ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। तो अगर हम 1 में से थोड़ा सा लेस करेंगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0। क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये लिमिट अगर एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। एच अगर 0 को टेंड करेगा तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है एक्स इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ये इक्वल आती तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हम। अब ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर है उससे छोटा इंटीजर, अगर इंटीजर है तो वो ऐसे का वैसा, अगर नॉन इंटीजर है तो उससे छोटा इंटीजर। तो 1 में से थोड़ा सा कम किया है हमने 1 और ये हो गया 0, तो 1 माइनस एच यहाँ से होगा तो इससे छोटा इंटीजर कौन हुआ, 0। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल और लिमिट आ गई इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इसमें हम, सो दैट दी फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी डिसकंटिन्यूस शो करना है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 वेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से कम के लिए और ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, और क्या है वो वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू है ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। तो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0 और जहाँ भी एक्स है वहाँ पुट कर देंगे माइनस 1 बाई एच हो गए माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, एक्स की जगह हमने माइनस एच रख क्या। अब ये लिमिट बन गई लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 माइनस थी तो हमने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ माइनस एच पुट कर दिया,
तो माइनस नीचे अगर प्लस हो गया, वन बाई ई रेज टू पावर वन बाई एच माइनस वन अपॉन वन बाई ई रेज टू पावर वन बाई एच प्लस वन। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है तो वन बाई एच किस को टेंड करेगा? इन्फिनिटी को, क्योंकि एच अगर जीरो के क्लोज है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज नंबर आएगा। तो ई रेज टू पावर वन बाई एच भी किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। और वन का रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जीरो। वन बाई ई रेज टू पावर वन बाई एच क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो को टेंड करेगा ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वेरी लार्ज क्वांटिटी है। ई रेज टू पावर वन बाई एच इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो वन बाई एच इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये भी वेरी लार्ज क्वांटिटी। और वन अपॉन वेरी लार्ज क्वांटिटी क्या बन जाएगा? वेरी स्मॉल क्वांटिटी मीन्स जीरो, जीरो माइनस वन अपॉन ऐसे ही नीचे जीरो प्लस वन। तो ये लिमिट आ गई हमारे पास माइनस वन अपॉन वन, कॉन्स्टेंट की लिमिट एज इट इज रहती है माइनस वन। और जबकि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या है? एफ जीरो पर वैल्यू है जीरो। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन भी, साइन एक्स भी क्या होता है? कंटिन्यूस। कोस एक्स भी क्या होता है? कंटिन्यूस। तो ये लिखेंगे, सॉरी कहाँ पर कंटिन्यूस शो करना है? इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, पॉइंट दे रखे हैं तो इस पर करेंगे। एक्स इज इक्वल टू पाई पर कैसे चेक करेंगे इसको शो कंटिन्यूस? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, पाई से कम हो चाहे ज़्यादा हो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखिए? मोडुलस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब लिमिट पुट कर देंगे हम, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जहाँ भी एक्स है वहाँ पुट कर देंगे पाई माइनस एच प्लस कोस पाई माइनस एच, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा की माइनस कोस थीटा। अब देखो यहां पर एच जीरो के नजदीक है, तो जब एच वेरी स्मॉल होता है तो कोस की वैल्यू ज्यादा होती है और साइन की वैल्यू कम होती है, तो यहां पर नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी होगी और पॉजिटिव छोटी होगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस एच की वैल्यू है वो जब जीरो के क्लोज हो तो कोस जीरो क्या होता है? वन। 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक एच की वैल्यू 45 डिग्री तक अगर हो तो उस केस में कोस की वैल्यू साइन से ज़्यादा होती है, और कोस की वैल्यू साइन से ज़्यादा होगी तो मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है। जब एच जीरो के क्लोज होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है, तो नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो मॉडुलस हटाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बाहर? नेगेटिव, तो माइनस साइन एच माइनस कोस एच मॉडुलस है, और एच जीरो के क्लोज है तो नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है तो नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो मॉडुलस हटाएंगे तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। अब एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो साइन एच क्या हो जाएगा? जीरो, और कोस एच कितना हो जाएगा? वन। बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच जीरो होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो कोस एच क्या होता है? वन। उस लिमिट से हमने माइनस माइनस प्लस वन हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, और ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एच साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, और एक्स की जगह पुट करेंगे पाई प्लस एच,
प्लस कोस पाई प्लस एच, तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा की भी माइनस कोस थीटा, तो एच पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो दोनों से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, माइनस साइन एच प्लस कोस एच। और मॉडुलस के अंदर अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, बाहर माइनस लगाना पड़ता है, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वैल्यू आ गई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच प्लस कोस एच। तो लिमिट लगाएंगे साइन एच तो जीरो हो जाएगा, कोस एच वन हो जाएगा, तो लिमिट आ गई वन। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है, राइट हैंड लिमिट भी वन है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन पाई कैसे सोल्व होता है, साइन 90 प्लस 90 कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन पाई की वैल्यू जीरो और कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। तो ये जीरो और ये माइनस वन, और माइनस वन का मॉडुलस क्या होगा प्लस वन, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वन बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो से कम के लिए ई रेज टू पावर वन बाई एक्स हम पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू जीरो और ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच, ये क्या बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जो माइनस है उसको हम नीचे ले जाके प्लस लिख सकते हैं, और एच जीरो को टेंड कर रहा है तो वन बाई एच किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो ई रेज टू पावर वन बाई एच किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो टेंड करेगा, तो ये सारा किसको टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया अगर पुट करेंगे तो लिमिट इसकी क्या आ गई जीरो। और जबकि फंक्शन की लिमिट जीरो पर कितनी है वन है, एफ जीरो की वैल्यू वन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टेंजेंट पाई एक्स बाई टू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, के इफ एक्स इज इक्वल टू वन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, के की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि ये फंक्शन क्या हो जाए कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होती हैं, तो दोनों के लिए वन से छोटों के लिए भी वन से बड़ों के लिए भी सेम वैल्यू है, और के की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेंगी इक्वल। तो अगर हम चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, जैसे इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू टेंजेंट पाई एक्स बाई टू हम पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन टेंजेंट पाई इंटू वन माइनस एच बाई टू, वन से वन कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
माइनस एच, और टेंजेंट 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एच। अब देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू कोट, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो ये बनेगा कोट पाई बाई 2 एच। तो इस लिमिट को हम कैसे सोल्व करेंगे, कोट पाई बाई 2 एच है तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, और कोट को नीचे ले जाके लिखेंगे लिमिट का फॉर्मूला यूज करने के लिए पाई बाई 2 एच, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। अब देखो जब एच 0 को टेंड कर रहा है तो पाई बाई 2 एच भी किसको टेंड करेगा, 0 को, तो हमने लिमिट का फॉर्मूला पढ़ाया था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट आती है 1, तो ये नीचे तो टेंजेंट एक्स है, और ऊपर एक्स है, तो ये भी 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी, तो कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ जो एंगल है ऊपर बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई बाई 2 से डिवाइड। अब देखो जितना एंगल है उतना ही नीचे है, तो ये लिमिट कितनी बन जाएगी 1, और ये क्या बन गया माइनस 1 बाई पाई बाई 2, 2 ऊपर चला गया, क्या बना माइनस 2 बाई पाई। अब फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या रहेंगी, इक्वल, एफ 1 की वैल्यू क्या है के, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है माइनस 2 बाई पाई, तो के की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई पाई, एक वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई पाई, तो इस तरह से करेंगे हम, के की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने कैसे निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों को इक्वल रख दिया, लिमिट के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो वैल्यू निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2 इंटू मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, तो मोडलस हटाकर सोल्व करें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू मोडलस माइनस एच प्लस माइनस एच का स्क्वेयर अपॉन माइनस एच, और माइनस का मोडलस क्या हो जाता है प्लस, तो ये बन गया 2h प्लस एच स्क्वेयर अपॉन माइनस एच, ऊपर से हमने h कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बची 2 प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या लिमिट आ गई माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है माइनस 2 और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दे रखी है 0, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तो 0 है, 0 पर वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है माइनस 2, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, जहां भी एक्स है वहां पुट कर दिया 0 माइनस एच, नई लिमिट आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और माइनस एच का मॉडुलस एच होता है, एच कॉमन ले लिया, एच से एच कैंसिल,
और अब एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो टू बाई माइनस वन माइनस टू, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एट भी इसी, एट और नाइन सेम है, एक तरीके के हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस ए साइन वन बाई एक्स माइनस ए इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, और जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस फंक्शन को हमें चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू ए, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो उसके लिए हम एट एक्स इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए से कम के लिए वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस ए साइन वन बाई एक्स माइनस ए, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू जीरो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ए से ए कैंसिल, और माइनस एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एच, और साइन वन बाई माइनस वन बाई एच, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट आ जाएगी माइनस बाहर आने पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू साइन वन बाई एच। अब देखो एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम लिमिट नहीं निकाल पा रहे। देखो एच जीरो के नजदीक है, जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है तो वन बाई एच है, वो कोई रियल नंबर होगा जीरो, इन्फिनिटी के नजदीक, वेरी लार्ज, वन बाई एच वेरी लार्ज। लेकिन हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच होती है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि साइन की कोई भी वैल्यू किसके बीच होती है, साइन वन बाई एच लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, फाइनाइट लिमिट होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट लिमिट नहीं बता पा रहे हम। कैसी लिमिट है ये? ऑसिलेटिंग लिमिट, ऑसिलेटिंग लिमिट है, ऑसिलेट कर रही है लिमिट किसके बीच में, माइनस वन और वन के बीच में, एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू लिमिट की, फाइनाइट जरूर है क्योंकि माइनस वन और वन के बीच है, तो ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी साइन वन बाई एच, और एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, क्या वैल्यू आ गई, जीरो, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही आएगा, उसमें एच इंटू साइन वन बाई एच आ जाएगा, तो वो भी जीरो आएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी कितनी है, एफ ए भी कितनी है, जीरो। तो तीनों लिमिट इक्वल हैं। कैसे? देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस, बस, तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए माइनस एच, माइनस बाहर आ गया, साइन वन बाई एच है, ये लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन ये हमें पता है फाइनाइट क्वांटिटी होगी किसके बीच, माइनस वन और वन के बीच, क्योंकि साइन की जो भी वैल्यूज हैं वो माइनस वन और वन के बीच होती हैं, चाहे कितना भी एंगल हो। यहाँ पर जो वन बाई एच है वो फिक्स एंगल नहीं है, जीरो के, एच जीरो के नज़दीक है, तो वन बाई एच है वो, एच जीरो नहीं है तो, एच जीरो के नज़दीक है तो वन बाई एच है वो कोई रियल नंबर होगी वैल्यू, तो रियल नंबर के लिए तो वैल्यू आती है साइन की किसके बीच, माइनस वन और वन के बीच, तो इसको हम ऑसिलेटिंग लिमिट बोलते हैं, माइनस वन और वन के बीच फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। जब यहाँ एच की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, क्या आ गया, जीरो, क्योंकि एच की जगह जीरो, और ये हमें पता है क्या वैल्यू होगी, माइनस वन और वन के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एंगल पता होता है एग्जैक्ट तो वैल्यू बता सकते थे। अब क्या कहेंगे इसको, ऑसिलेटिंग लिमिट बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो वैल्यू आ गई जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी जीरो, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है, जीरो, दोनों इक्वल आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे, वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी, तो तीनों इक्वल होगी, तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर।